जैसा कि आप सब जानते हैं 18 जनवरी को मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की गाड़ी एक ट्रक के साथ टकरा बैठी, जिसके बाद शबाना को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और ट्रक ड्राइवर ने शबाना आजमी के ड्राइवर पर FIR दर्ज कराई। शबाना आजमी अस्पताल में भर्ती और उन पर FIR दर्ज की गई। अब इसे लेकर एक बड़ा बयान पुलिस की ओर से सामने आ गया है। पुलिस ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस केस में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। एक टीम है जो वाहन की जांच कर रही है। ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में हो चुकी है। अब हम चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। बता दें आपको, पुलिस ये भी कहती है, वी हैव रिकॉर्डेड मिस्टर कमत स्टेटमेंट एंड ही हैज एडमिटेड टू अ लैप्स ऑन हिज पार्ट व्हाइल ड्राइविंग। ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन वेदर इट वॉज कॉज्ड बाय फैटिक और एन एरर इन जजमेंट। हिज स्टेटमेंट्स कंफर्म द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट आर इंक्वायरीज हैड रिवील्ड। शबाना आजमी के ड्राइवर का स्टेटमेंट लिया जाएगा, शबाना आजमी का स्टेटमेंट लिया जाएगा। ट्रक के ड्राइवर ने तो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन जब पुलिस पूरी तरह से सबके स्टेटमेंट्स ले लेगी उसके बाद ही इस मामले में आगे बात बढ़ेगी। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि शबाना आजमी की मुसीबतें इस मामले में बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।